यार मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई तीनों बाइक्स एक साथ दिखाओ, एनएस दिखाओ। सो ये देख लो अपनी तीनों एनएस एक साथ खड़ी हुई हैं। सो मैं एक बार इनका ना सीधा कर देता हूँ, और एक बार आप लोग गेस करना कि मैं इनको सीधा करता हूँ पहले, और अब आप इनको गेस करना कि कौन सी बाइक कौन सी है। सो ये एनएस है और सारी एनएस अलग अलग है, तीनों में से हर बाइक का सीसी अलग है। तो मैंने अपनी एनएस की वीडियो डाली, उस वीडियो पे बहुत मेरे पास कमेंट्स आए, बहुत लोगों के मैसेज आए कि ये ब्लू वाली का रिव्यू कर दो। मैं रिव्यू तो नहीं करूँगा बट आपको वॉक अराउंड जरूर दिखा दूंगा। सो कलर वाइज एक बार, सो ये जो अपनी ब्लू कलर में खड़ी है ये है अपनी NS 200, जिसमें अपना वाइट कलर का पेरीमीटर फ्रेम दिया गया है। और ये लुक देख लो एक बार बाइक का, इस तरीके से पूरा लुक है, टैंक ब्लू में है। और ये अपनी ये रहने वाली है विद ब्लैक अलॉयज़ है, सबसे बड़ी बात विद ब्लैक अलॉयज़। ये अपनी है NS 200, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि NS 200 कैसे है। सो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये NS 200 की बैजिंग दी गई है, और इसका टायर है, इसमें रेडिएटर है, देखो ये रेडिएटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी NS 200 है। और अब हम मूव करते हैं अपनी NS 160 की तरफ। सो NS 160 और 125 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आप नहीं पहचान पाओगे। बस का देखो मडगार्ड साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा, मडगार्ड साइज़ थोड़ा सा और, मतलब इसका बड़ा है, इसका मडगार्ड साइज़ छोटा है, इसका थोड़ा और छोटा है। तो ये अपनी ये है 160 NS, और अब आपको मैं दिखाया था 160 NS कैसे है। सो ये देख लो, ये है अपनी 160 NS। और NS तो आपको पता है यार, NS की स्टेबिलिटी जो पेरीमीटर फ्रेम की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें ऑयल कूलर दिया हुआ है, सो ये देख लो, ये है इसका ऑयल कूलर। और यहाँ पे देख लो, ये है 160 NS, और ये ग्रे कलर में है। मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ। सो ये देख लो साइड से, ये अपनी 160 NS है। और इसका भी पूरा रिव्यू आएगा, बट अभी आप ऐसे देख लो, डिफरेंसेस बता रहा हूँ मैं, पूरा रिव्यू करके नहीं दिखा रहा। और 125 को ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिव्यू है, तो वो आप जाके देखो। और ये अपनी 125 NS है, ये देख लो, ये विद ग्रे अलॉयज आती है, ये दोनों ब्लैक अलॉयज के साथ हैं, ये ग्रे अलॉयज के साथ है, तो थोड़े इसके अलॉयज मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रे कलर में है, कलरफुल है। और एक बार मैं आपको उसका साइड से लुक दिखा देता हूँ। सो ये देख लो, ये अपनी 125 NS 125, और ये देख लो, ये है 160, और वो देख लो, वो है अपनी NS 200। तो तीनों साथ साथ खड़ी हैं, और तीनों की हाइट वाइट लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, फ़र्क है तो टायर्स और सीसी का। सो इसमें जो अपना टायर आएगा पीछे का, वो 100 सेक्शन आता है, 120 160 में आता है 120 सेक्शन टायर, और NS 200 में 130 सेक्शन का टायर आता है। और अपनी ये आती है ड्रम ब्रेक के साथ, और वो दोनों डिस्क के साथ आती है रियर में भी। और ये दोनों सिंगल चैनल ABS के साथ फ्यूल इंजेक्शन आती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ आती है 125, और इसमें आपको सिंगल डिस्क मिलेगी, ABS नहीं मिलेगा, इसमें CBS मिलेगा, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा आपको। बाकी मीटर आपको दिखा दूँ, मीटर देखो इसका और 160 का और 200 का मीटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीटर है, ठीक है। टैंक साइज़ भी बिल्कुल सेम है, पेंट क्वालिटी भी सेम है, एग्जैक्ट सब कुछ सेम है, फ़र्क है तो CC का। ये 125 CC की है, 12 PS की पावर है, और ये अपनी है 160, ये नियर अबाउट आपकी 16 और 17 PS की पावर जनरेट करती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आपको मैं दे दूंगा, विद फ्यूल इंजेक्शन है। और NS 200 अपनी 24.5 PS की पावर जनरेट करती है विद फ्यूल इंजेक्शन। सो ये तीनों बाइक अपनी बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो ये अपना हो गया तीनों में डिफरेंस। अब आपको मैं इसके बाद शूट करके दिखा दूंगा अपनी NS 160 का पूरा रिव्यू दे दूंगा।